नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से दिवाली पर कोई भी रंगोली बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बस आपको हमारे साथ ही इस रंगोली को बनाना होगा। यहाँ पर पहले आप एक ई लेटर लिख दीजिएगा। अगर आप फर्श पे बना रहे हैं तो चौक उठा लीजिएगा, अगर आप पेपर पे केवल डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। ई लेटर लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको पहले इसको ऐसे डबल करना होगा। इस साइड भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इस तरह आपको ई लेटर को डबल करना होगा। डबल हो जाने के बाद यहाँ से ऊपर के साइड में आप छोटे छोटे ओवल शेप ऐसे ड्रॉ कर देंगे और आप कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों हमें हैप्पी दिवाली ज़रूर विश करिएगा। और एपी ड्राइंग की तरफ से भी आप सभी को दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ। फिर इधर से आप डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इसको आप चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा, जब आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा तो ऊपर के साइड में आपको इस कैंडल को जलाना भी होगा। इधर ऐसे करिएगा, यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। और दोस्तों, आज हम आपको इस रंगोली को कलर भी करना सिखाएंगे, यानी कि इसमें कौन कौन से आपको कलर फिल करना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ऐसे करिए, हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ ले जाइएगा, सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। यही प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। देखिए कितनी आसानी से हमारा यहाँ पर कैंडल बन के तैयार हो गया है। जब आपका कैंडल बन जाएगा तो आपको इधर से एक हाफ सर्कल बनाना होगा। इस हाफ सर्किल को ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक हाफ सर्किल ऐसे बाहर की तरफ करना होगा। इस साइड भी आप ऐसे रिपीट करिएगा, यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, यहाँ तक कर दीजिएगा। अब आपको इसको अंदर की तरफ करना है और एक बनाना है पीकॉक। देखिए कैसे बनाना है, इसको यहाँ तक ले जाएंगे, फिर आपको इधर से हाफ सर्किल का शेप में देते हुए इधर मिडिल में जाकर मिला दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, यहाँ से ऐसे ले जाना होगा, इधर करिएगा, फिर इसको आपको नीचे की तरफ बड़ा सा हाफ सर्किल बनाते हुए बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा दोस्तों। यहाँ तक ऐसे ले जाएंगे, आगे के सिरे पर आपको वी लेटर लिखना होगा, यहाँ पर भी वी लेटर लिख दीजिएगा। एक छोटा सा हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों हमारा दिवाली पर बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली बनकर तैयार होने वाला है, वो भी ई लेटर की हेल्प से। यहाँ पर ऐसे करिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको नीचे के साइड में क्या करना है, यहाँ से इधर मिलाइए, फिर एक बार और ले जाएंगे, फिर इधर से भी दोस्तों, फिर सेम प्रोसेस आप ऐसे रिपीट करते जाइएगा, यहाँ तक आप ऐसे ले जाएंगे। ऊपर ही आपको एक बनाना है दिवाली का बहुत ही खूबसूरत सा दिया, इधर ऐसे करिएगा, अंदर की तरफ आप एक 3 नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद आगे की तरफ आप इस दिए को ऐसे जला दीजिएगा। जलाने के बाद नीचे वाले सिरे को आप डबल कर दीजिएगा। जब आपका डबल हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा इधर आप छोटे छोटे से लाइनें ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है दोस्तों, अगर आपको पता है भगवान श्री राम जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था और किस कारण किया था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इधर ही आपको एक छोटा सा हाफ सर्किल करना होगा, एक आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ से ऐसे डबल कर दीजिए, इधर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। जब आपका डबल हो जाएगा तब आपको छोटे छोटे ऐसे हाफ हाफ सर्किल बनाते हुए फ्लावर बनाने होंगे। इधर से भी आप ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल करते हुए बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बना दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रंगोली को आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।